नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे जेके पेपर्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं जेके पेपर्स है यहाँ पे, आपको दिखाई देगा। अभी यहाँ पे प्राइस चल रही है इसकी, तो इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। इसकी लिस्टिंग डेट देख सकते हैं यहाँ पे, ये सिम्बॉलिक नेम है। इसकी लिस्टिंग डेट देख सकते हैं, पेपर्स में आता है यहाँ पे, देख सकते हैं इसका सेक्टर का पी, ये निफ्टी 500 में आता है। चलिए इसका परफॉर्मेंस किस तरीके सा रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं, हाई और लो यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए एक दिन का रिटर्न इसका देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस में है। अगर एक वीक का करें तो आप कह सकते हैं कि यार ये बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है उसने एक वीक में। अगर एक मंथ की बात करें तो भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, 13 का दिया है, जो कि एफटी भी नहीं देती आपको जेके पेपर्स। अगर एक साल का करें तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनस में रिटर्न चला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर्स का रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैक्सिमम देखें तो इसकी ये यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉफिट है, उसके बारे में बात करेंगे, जो मेरे ख्याल से एक अच्छा रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो एक अच्छी बात है, यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ पे यहाँ प्रॉफिट बड़ा है, उसका कोई दोहरा नहीं है। और अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो एक अच्छी बात है। इसमें चार्ट के ऊपर अगर देखें तो एक हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचते थे, यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस था काफ़ी दिनों से, वो अभी उसने अच्छा सा एक मोमेंट पकड़ी है उसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लेवल देख सकते हैं आप, ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर चला गया है, यानी कि एक जो कि काफ़ी दिनों से सपोर्ट के नीचे का ट्रेड कर रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका जोन है, यहाँ पे ये जोन आपके बीच में, अब इसके ऊपर यहाँ पे गया है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये जोन के बीच में काफ़ी दिनों से स्टॉक रहा था। एक कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे इसमें एक मोमेंट आ गई है, जो इसमें एक पुल बैक की तरह हम देख सकते हैं इसे। ये जोन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जोन देख सकते हैं, ये जोन देख सकते हैं, और ये थोड़ा सा इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट टूटा था, उसके बाद ये नीचे गया और काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद एक लेवल मिल जाती है, अभी उस लेवल के ऊपर ही मार्केट चल रहा है। अगर दूसरी लेवल हम निकालेंगे तो ये जोन हम कह सकते हैं कि ये जोन है। जब तक ये जोन अच्छा सा पार नहीं होता, थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से उतनी स्ट्रगल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके नीचे भी अगर बात करें तो ये ऊपरी जोन जो है, हम थोड़ा सा इसे कम करते हैं और आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये जो एक जोन बनेगी, ये और ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन बनेगी, ये लगभग आप अगर देखें तो इसके हिसाब से ये जो जोन आपको बनेगा लगभग ये 400 के 390 के आसपास आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये जोन जो है वो आपको यहाँ पे 390 के ऊपर जब मार्केट जाएगा इसका, तो अच्छी बात होगी। एक सस्टेन देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी थी, उसके साथ छोटी कैंडल बनी है। अगर सस्टेन कर पाता है, उसके ऊपर ट्रेड बन पाता है, तो इस तरीके से अगर ये लेवल टूटती है, लगभग हम ये लेवल हम कह सकते हैं कि ये लेवल कौन सी होगी, तो एक लेवल 90 की आती है, यानी कि 390 की लेवल जब टूटेगी तब अच्छी से इसमें बाइंग आ सकती है। लेकिन सपोर्ट अच्छा दिया है उसने, एक जोन में था स्टॉक, अब यहाँ पे एक ऊपरी लेवल पे, अभी यहाँ पे स्टॉक उस जोन से ऊपर गया है, ये जोन भी उसके ऊपर गया है, और ये जोन से भी ऊपर गया है, यानी कि सपोर्ट मिला था यहाँ पे, सपोर्ट मिला था यहाँ पे, मिला था और यहाँ पे भी मिला था, अब उस रेंज में स्टॉक उसके ऊपर गया है, तो एक अच्छी बात है। जब हम यहाँ पे वेट करेंगे 390 का, जब टारगेट हमें मिल जाता है, तब तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि साइडवेज मार्केट चला जाए कुछ दिन, और फिर बाद में एक अच्छा सा मोमेंट पकड़ सकता है ये स्टॉक। तो काफ़ी हद तक ये जो जोन हमने बताया आपको, उस हिसाब से काफ़ी हद तक ये जो स्टॉक है, वो इस हिसाब से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो अच्छी बात है। और उस जोन से काफ़ी हद तक ऊपर स्टॉक रहा है, और हाई देखिए उसका, तो लगभग 450 का टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस हिसाब से अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो अभी तो हमें ठहरते हैं।